बहुत समय पहले चंद्रलोक की दुनिया में सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। चंद्रलोक बेशकीमती हीरों की खदानों से भरा हुआ था। सभी परियां उन खदानों की रक्षा किया करती थी, क्योंकि उन हीरों की वजह से परियों को शक्ति मिलती थी। लेकिन एक दिन पृथ्वी पर रहने वाली दो दुष्ट जादूगरनी बहनों तारका और कुष्मांडा को पता चल गई। फिर वो दोनों हीरो की खदानों को अपने कब्जे में करने का प्लान बनाया और एक जादुई यान तैयार करने में जुट गई, जो उन्हें चंद्रलोक तक ले जा सके। जादुई यान तैयार हो जाने के बाद दोनों जादूगरनी जादुई यान में बैठकर चंद्रलोक जा पहुंची। वहां चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। वहां पहुंचते ही तारका और कुष्मांडा जादूगरनी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर हम यहाँ तक पहुँच ही गए, अब हम इस संसार की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाएंगे। उन हीरों में जादुई शक्तियाँ है, तो हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। हमें चंद्रलोक पर हीरे की खदान ढूंढना शुरू करना चाहिए। तभी चंद्रलोक की एक परी, जिसका नाम था जैस्मीन परी, उनकी सारी बातें सुन लेती है। अरे, ये दोनों तो हमारे चंद्रलोक पर हीरे की खदान लूटने आई है। मुझे फौरन जाकर बाकी परियों को इस बारे में बताना होगा। उसके बाद जैस्मीन परी फौरन जाकर चंद्रलोक की सारी परियों को सारी बात बताती है। हमें किसी तरह उन दोनों जादूगरनी को यहाँ से भगाना होगा, वरना वो दोनों हीरे की खदान से सभी हीरो को चुरा कर ले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी शक्तियाँ बिना हीरे के कम हो जाएंगी, और हमारी जादुई छड़ी भी हीरे से ही चार्ज होती है, इसलिए हमें किसी भी तरह हीरे की हिफाजत करनी होगी। उसके बाद सभी परियां मिलकर उन दोनों जादूगरनी के पास पहुंची। सुनो, तुम दोनों यहां से जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाओ, नहीं तो हम तुम दोनों को जलाकर भस्म कर देंगे। इतनी सारी परियों को देखकर दोनों जादूगरनियां हैरान रह गई। अरे, ये तो कमाल हो गया, यहां तो परियां भी रहती है, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। अरे हाँ बहना, हमें काम करते हैं, हम इन सब परियों को अपने साथ पृथ्वी लोक ले चलते हैं। इनकी जादुई छड़ियों के जरिए हम और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे, और इन परियों को अपना गुलाम बनाकर इनसे काम करवाएंगे। हम परियां तुम दोनों के गलत इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। बेवकूफ परियां, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तुम्हारा भ्रम है, हम अभी अपनी जादुई छड़ी से तुम दोनों को जलाकर राख कर देंगे। सिंड्रेला परी की बात सुनकर दोनों जादूगरनी बहनें हंसने लगी, और इससे पहले कि परियां कुछ समझ पाती, दोनों जादूगरनी ने अपनी शक्ति से सभी परियों को बिजली के घेरे में कैद कर दिया। परियां जैसी ही उस बिजली के घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, उन सभी को बिजली के जोरदार झटके लगे, जिस वजह से उनकी सभी जादुई छड़ियां हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। ये देख सभी परियां सोच में पड़ गई। अरे, ये दोनों जादूगरनियां तो बहुत ही शातिर निकली, अब हम क्या करें? तभी कुष्मांडा जादूगरनी सभी जादुई छड़ियों को उठाकर अपने कब्जे में कर लेती है। उसके बाद दोनों जादूगरनी फटाफट हीरे की खदान को ढूंढने में लग जाती है, और बहुत जल्द उन्हें हीरे की खदान मिल ही गई। फिर वो फटाफट से सारे हीरे चुराकर जादुई यान में भर लेती है, और साथ ही सभी कैद परियों को भी अपने यान में बिठा लेती है। चलो अब जल्दी से वापस पृथ्वी लोक लौट जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों जादू यान में बैठकर वापस पृथ्वी लोक लौट आए। उसके बाद दोनों जादूगरनी सभी परियों को अपनी गुफा में कैद कर लेती है। फिर दोनों जादूगरनी परियों की छड़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उनकी जादुई छड़ी बिल्कुल भी काम नहीं करती, और जादुई छड़ी से आवाज आने लगती है। छड़ी को इस्तेमाल करने से पहले पासवर्ड डाले। अरे, ये परियां तो बड़ी चालाक है, इन्होंने अपनी छड़ी पर पासवर्ड डाल रखा है। बिना पासवर्ड के हम इनकी जादुई छड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से हमें पासवर्ड बताओ। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें पासवर्ड कभी नहीं बताएंगे। सिंड्रेला परी की बात सुन तारका जादूगरनी गुस्से से लाल हो गई। फिर तारका जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से सभी परियों को बिजली के जोरदार झटके दिए। मैं तुम सभी को शाम तक का टाइम दे रही हूँ, अगर शाम तक तुमने मुझे पासवर्ड नहीं बताया
तो तुम्हारी जिंदगी का आज आखिरी दिन होगा। हम अभी कहीं जा रहे हैं, चलो बहन कुष्मांडा शहर जाकर कुछ शॉपिंग कराते हैं। इतना कहकर दोनों जादूगरनियां वहां से बाहर चली गई। सभी परियां बेबस होकर रोने लगी। कुछ देर बाद जंगल में मोना नाम की लड़की लकड़ियां काटने आई। तभी मोना के कानों में परियों की रोने की आवाज़ सुनाई दी। अरे आवाज कहाँ से आ रही है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहकर मोना आवाज की दिशा की ओर जाने लगी। तब उसे कुछ दूर जादूगरनी की गुफा दिखाई दी। लगता है आवाज इसी गुफा में से आ रही है। गुफा में तो बहुत अंधेरा है, कैसे जाऊं? लेकिन मुझे जाना ही होगा, लगता है अंदर कोई मुसीबत में है। ऐसा सोचकर मोना गुफा के अंदर गई। जैसे ही वो गुफा के अंदर पहुंची, तो उसने परियों को बिजली के तारों से बने हुए पिंजरे में कैद देखा। अरे ये सभी तो परियां हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? मोना को देखते ही सभी परियां उससे मदद की गुहार लगाने लगी और अपने साथ ही सारी घटना मोना को बताती है। आप चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करूंगी। ऐसा कहते हुए मोना उन परियों के पास गई और उन्हें आजाद कराने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही वो बिजली से बने पिंजरे को हाथ लगाती कि तभी उसे जोरदार बिजली के झटके लगने लगे और वो उछलकर जमीन पर गिर गई। लगता है ये कोई जादुई पिंजरा है, मुझे इन्हें आजाद करने के लिए कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। आप चिंता मत करना, मैं कुछ देर बाद आती हूँ, आप भरोसा रखिए। ऐसा कहकर मोना वापस गांव लौट गई और वहां जाकर मंदिर के पुजारी को सारी बात बताई। फिर बिना समय गवाए मोना पुजारी को लेकर वापस गुफा में पहुंची। पुजारी ने मंत्र पढ़कर सभी परियों को आजाद कर दिया। लेकिन तभी वहां दोनों जादूगरनी वापस लौट आई। वहां मोना और पुजारी को देख दोनों गुस्से से तिलमिला गई। अरे ये लड़की और पुजारी हमारी गुफा में कैसे आ गई? इन दोनों ने हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, चलो जल्दी से इन दोनों को जान से मार देते हैं। लेकिन तभी सभी परियों ने मिलकर अपनी जादुई छड़ी से दोनों जादूगरनी को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। अभी एक घंटे तक इसी तरह पत्थर की मूर्ति बनी रहेगी, इससे पहले कि ये दोबारा अपने असली रूप में आ जाए हमें इन दोनों को ठिकाने लगाना होगा। उसके बाद सभी परियां उन दोनों के हाथ पैर बांधकर जमीन पर दफन कर देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सभी परियां सारे हीरे लेकर वापस चंद्रलोक लौट गई। एक समय की बात है, दिल्ली नाम के एक छोटे से शहर में राधिका अपने पति संतोष और अपनी सास दमयंती के साथ रहा करती थी। राधिका गर्भवती थी और कुछ ही महीनों में अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था, सभी बहुत खुश थे और फिर कुछ महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन राधिका को प्रसव पीड़ा होती है और उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल रूम के बाहर दमयंती और संतोष चिंता में खड़े होते हैं कि तभी डॉक्टर अपने हाथ में संतोष के संतान को लेकर आती है। डॉक्टर क्या ये मेरी संतान है? ये ठीक तो है ना? और राधिका वो ठीक है ना? आपको बेटी हुई है और वो पूरे तरीके से ठीक है, लेकिन हम राधिका जी को नहीं बचा पाए। ऐसा कहकर डॉक्टर संतोष की बेटी को दमयंती के हाथ में दे देती है। दमयंती जब बच्चे का चेहरा देखती है तो चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ना जाने हमारे घर में ये मनहूस कहाँ से आ गई। शक्ल से इतनी काली है कि कोयला का रंग भी इसके आगे कम पड़ जाए। ऊपर से टकली भी है, इसके सर पर एक भी बाल नहीं है। नहीं, ये मेरी पोती नहीं हो सकती। ऐसा कहकर दमयंती बच्ची को संतोष के हाथ में पकड़ाकर वहां से चली जाती है। बेचारा संतोष समझ नहीं पाता कि वो अपनी बच्ची की इस दुनिया के आने की खुशी में खुश हो या फिर अपनी बीवी के इस दुनिया से चले जाने के दुख में दुखी हो। फिर भी जैसे तैसे वो खुद को संभालता है और अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है, क्योंकि दमयंती संतोष के बच्चे को आंख उठाकर भी नहीं देखती, इसलिए वो खुद ही अपनी बेटी का नामकरण करता है और उसका नाम कनक रखता है। समय इसी तरह बीतने लगता है। कनक एक साल की हो जाती है, परंतु दमयंती उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी और उसे बहुत नफरत करती थी। फिर एक दिन जैसे ही संतोष ऑफिस से घर आता है,
दमयंती उसे अपने पास बैठा लेती है और कहती है, देख संतोष, मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है और तू भी जानता है कि तेरी उम्र अभी कुछ ज्यादा नहीं है। तेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है बिताने को। तू क्या अकेले रहकर अपनी पूरी जिंदगी नरक करना चाहता है क्या? मेरी बात मान और दूसरी शादी कर ले। मैंने लड़की को देख लिया है, लड़की बहुत सुंदर है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। बेचारी का पति एक सड़क दुर्घटना में मर गया, वो लोग भी लड़के की तलाश कर रहे हैं। देख, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और कब ये दुनिया छोड़कर चली जाऊँ ये भी नहीं जानती, इसलिए मेरे जीते जी तो वापस ही अपना घर बसा ले। मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं देख सकती। ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह बेटा, तूने हाँ करके मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। अच्छा सुन, शादी के पहले लड़की को मत बताना कि तेरी एक बेटी भी है। तू जानता है कि तेरी बेटी कितनी बदसूरत दिखती है। अगर उस लड़की को पता चल गया तो पता नहीं वो शादी करेगी भी या नहीं। पर माँ, ये तो गलत बात है। अरे कुछ गलत नहीं है, जब वो इस घर में आएगी तब हम उसे सब बता देंगे। संतोष अपनी माँ की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए वो दूसरी शादी के लिए हाँ कर देता है और फिर कुछ ही दिनों में अच्छा मुहूर्त देखकर दमयंती संतोष और मोहिनी की शादी करा देती है। मोहिनी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसकी 3 साल की बेटी रूपाली भी अपनी माँ की ही तरह अत्यंत आकर्षक और खूबसूरत थी। शादी के बाद मोहिनी और रूपाली संतोष के घर आ जाती है। रूपाली मोहिनी का हाथ छुड़ाकर पूरे घर में घूमने लगती है। तभी घूमते घूमते रूपाली कनक के रूम में पहुंच जाती है। जैसे ही वो कनक को देखती है वो चिल्ला पड़ती है, चुड़ैल, यहाँ पर चुड़ैल है। रूपाली के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी उसके पास जाते हैं। तभी मोहिनी की नज़र भी कनक पर पड़ जाती है और वो संतोष से पूछती है, संतोष जी ये कौन है? मोहिनी, ये मेरी बेटी कनक है, मेरी पहली पत्नी की बेटी। पर आपने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि आपकी कोई बेटी भी है। अरे मोहिनी बहू, ये रहे या ना रहे हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए ये बहुत मनहूस है, इसलिए हमने तुझे इसके बारे में नहीं बताया। और तू चिंता मत कर, तुझे इसका ध्यान रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, तो बस अपना और संतोष का ध्यान रख। ऐसा कहकर दमयंती मोहिनी को उसके कमरे में ले जाती है। समय इसी तरह बीतने लगता है। कनक को संतोष के अलावा कोई भी प्यार नहीं करता था, ना ही कोई उसके तरफ दया भावना से देखता था। देख कनक बेटा, मैं तेरे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक लेकर आया हूँ। थैंक यू पापा, एक आप ही हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे खुश करने में लगे रहते हैं, वरना इस घर में कोई और तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना तेरे लिए, मैं तुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगा और इतना प्यार दूंगा कि तुझे किसी और के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। संतोष कनक को इतना प्यार करता था, ये देखकर मोहिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन अचानक से दमयंती के घुटनों में तेज दर्द उठता है, इसलिए संतोष दमयंती को अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल जाने लगता है कि तभी उनकी गाड़ी का हाईवे पर एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें संतोष और दमयंती की मौके पर ही मौत हो जाती है। कनक का एकमात्र सहारा भी उससे छिन जाता है और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके सौतेली माँ का व्यवहार उसके साथ अब और भी ज्यादा बुरा हो जाता है। माँ, मेरी टीचर आज बहुत गुस्सा कर रही थी। वो कह रही थी कि मैंने कई महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी है, प्लीज आप जल्द से जल्द मेरे स्कूल की फीस भर दीजिए। मुझसे तो तू अब बिल्कुल उम्मीद मत रख कि मैं तेरे स्कूल की फीस भरूंगी। मेरे लिए तू जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पता होता कि तुझ जैसी काली गंजी मनहूस लड़की इस घर में रहती है तो मैं इस घर में शादी करके कभी नहीं आती। तेरा बाप भी खुद तो मर गया और तुझे मेरे सर पर छोड़ गया। अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर कनक का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी रूपाली वहाँ आ जाती है। माँ, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, मेरी फ्रेंड की शादी है और मुझे पहनने के लिए एक सुंदर सा लहंगा और मेकअप करने के लिए एक अच्छी सी मेकअप किट चाहिए।
हाँ बेटा, अभी निकाल कर देती हूँ। एकदम बढ़िया क्वालिटी का लहंगा लेना, जिसमें तू एकदम परी जैसी दिखे। मैं चाहती हूँ कि पूरी शादी में मेरी बेटी जैसा सुंदर कोई ना दिखे। आपके बेटे जितने सुंदर कोई है भी नहीं माँ। ये बात तो तूने 100 आने की सच कही है। ये सब देखकर कनक आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाती हैं। और फिर एक दिन रूपाली अच्छे से तैयार होकर घर से निकल जाती है। वो सुबह की निकली होती है और अब शाम हो जाती है। मोहिनी चिंता में आ जाती है। वो कई बार रूपाली को फोन भी लगाती है, परंतु रूपाली फोन नहीं उठाती। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक भी है या नहीं। सुबह से शाम हो गई है, उसका कोई अता पता नहीं है। उसने कहा था कि शादी जल्द ही खत्म हो जाएगी, पर अब तो रात होने वाली है। हे भगवान, कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो ना गया हो। इतनी चिंता करने के कारण मोहिनी की तबीयत काफी खराब हो जाती है। यह देखकर कनक मोहिनी से कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, दीदी घर आ जाएंगी। वैसे भी शादी जैसे फंक्शन में टाइम लग जाता है। तुझसे कितनी बार कहा है, मुझे माँ कहकर मत बुलाया कर। तेरी माँ नहीं हूँ मैं, और तुझे रूपाली की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जा यहाँ से, मेरे सर में वैसे ही बहुत तेज दर्द हो रहा है। कनक से मोहिनी की ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो रूपाली को ढूंढने निकल जाती है। परंतु जब वो शादी के कार्ड पर लिखे एड्रेस पर पहुँचती है, तो उसे पता चलता है कि शादी कल की है। अगर शादी कल की है तो दीदी अभी कहाँ गई है। तभी जिस घर के एड्रेस पर कनक आई थी, उस घर से एक लड़की निकलकर बाहर आती है। अगर तुम रूपाली के बारे में पूछने आई हो तो मैं बता देती हूँ कि रूपाली क्लब गई है, और वो भी अपने आवारा दोस्तों के साथ। मैंने उसे कई बार मना किया, परंतु उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद कनक उस लड़की के बताए हुए क्लब के एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है कि रूपाली अपने आवारा दोस्तों के साथ दारू पीकर पार्टी कर रही होती है। जैसे ही रूपाली की नज़र कनक पर पड़ती है, वो म्यूजिक रुकवाकर तेज आवाज में कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे यहाँ का एड्रेस किसने बताया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दीदी, आप घर चलिए, माँ आपका इंतजार कर रही है। आपकी वजह से वो बहुत चिंता में है, और इसी कारण उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। जब रूपाली के माँ के दोस्त कनक को देखते हैं, तो वो उसका मजाक बनाने लगते हैं। रूपाली, ये टकली तेरी बहन है। हे भगवान, विश्वास नहीं होता तुम दोनों बहने हो। अरे ये मेरी बहन नहीं है, मेरी सौतेली बहन है। और तुम लोग भी मुझे किससे कंपेयर करने में लगे हो, मैं कहाँ और ये कहाँ। उसके बाद रूपाली भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कनक का मजाक बनाने लगती है। कनक आंखों में आंसू लिए क्लब के बाहर आ जाती है। अगर मेरा रंग काला है, मेरे सर पर बाल नहीं है, और मैं बस सूरत हूँ, तो क्या इसमें मेरी गलती है। भगवान ने मुझे ये रूप दिया है, आखिर इसमें मेरा क्या दोष है जो ये लोग मुझे ऐसे नामों से बुलाते हैं। क्यों वो मेरा इतना मजाक बनाते हैं, आखिर मैंने क्या किया है। ऐसा कहकर कनक रोने लग जाती है कि तभी उसकी नज़र जमीन पर गिरी एक घायल चिड़िया पर जाती है। हे भगवान, ये चिड़िया तो बहुत घायल है, मुझे इसकी मरहम पट्टी करनी होगी, नहीं तो ये यहीं पर अपने प्राण त्याग देगी। कनक जल्दी से एक केमिस्ट पर जाती है और कुछ दवाई खरीदकर उस चिड़िया की चोट पर लगा देती है। कनक के ऐसा करते ही वो चिड़िया एक सुंदर सी परी के रूप में बदल जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कनक, अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं इस रूप में हमेशा के लिए कैद रहती। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक इंसान हूँ और इंसाने दिखाना मेरा फर्ज है। अगर ऐसा है, तुम दयालु के साथ साथ बहुत समझदार भी हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। अगर ऐसा है तो आप मुझे खूबसूरत बना दीजिए, लोग मेरे इस रूप का बहुत मजाक बनाते हैं। अगर मैं खूबसूरत हो जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक नहीं बनाएंगे, और मैं शांति से इस दुनिया में जी पाऊंगी। कनक के इतना कहते ही परी कुछ मंत्र पढ़ती है और अपनी छड़ी घुमाती है। परी के ऐसा करते ही कनक अत्यंत सुंदर हो जाती है, और उसका सपाट सर बालों से भर जाता है। उसके बाल बहुत लंबे हो जाते हैं।
मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, साथ ही साथ मैंने तुम्हारे बालों को अत्यधिक लंबा कर दिया है। और ये बाल कोई मामूली बाल नहीं है, ये जादुई बाल हैं। इन बालों के आगे तुम कोई भी इच्छा प्रकट करोगी तो वो पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। इसके बाद वो परी वहाँ से चली जाती है और कनक भी अपने घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो देखती है कि रूपाली वहाँ पहले से ही मौजूद है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? दीदी मैं कनक हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? इसके बाद कनक रूपाली और मोहिनी को सारी बात बताती है और उन्हें ये भी बताती है कि अब उसके बाल जादुई हो गए हैं। ये सुनकर मोहिनी कहती है, मुझे माफ कर दे कनक बेटा, मैंने तुझे गुस्से में कितना कुछ कह दिया, पर मैं सच कह रही हूँ, मैं रूपाली की चिंता में थी इसलिए मैंने तुझे इतना कुछ कहा। और हाँ, मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने तेरे साथ कितना गलत किया है। मैंने आज तक जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटा। कनक बहुत भोली थी, अपनी माँ के दो मीठे शब्द सुनते ही वो उसे माफ कर देती है। बेटा तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए तेरे मन पसंद आलू के पराठे बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर मोहिनी रसोई में चली जाती है। मोहिनी के पीछे पीछे रूपाली भी जाती है। माँ, क्या अभी अभी आपने जो कहा वो सच था? बिल्कुल भी नहीं, अरे मुझे तो वो लड़की अभी भी फूटी आँख नहीं लुभाती। पर अब उसके पास वो जादुई बाल है, इसलिए मैंने प्लान बनाया है कि मैं उसके पराठे में नशे की दवाई मिला दूंगी और फिर उसे खाते ही वो बेहोश हो जाएगी, जिसके बाद हम उसके जादुई बाल काट लेंगे और उसके बाद हम उस जादुई बाल के जादू का इस्तेमाल करेंगे और इस दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। क्या बात है माँ, आपने तो बड़ा ही कमाल का आइडिया निकाला है। इसके बाद मोहिनी नशे वाले पराठे बनाती है और कनक को खिला देती है। कनक भी खुशी खुशी में पराठे खा लेती है और फिर वहीं बेहोश हो जाती है, जिसके बाद मोहिनी और रूपाली कैंची की मदद से कनक के जादुई लंबे बाल काटने लग जाती है। लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है, वो कैंची मोहिनी और रूपाली दोनों के बाल काट देती है और उन दोनों को गंजा कर देती है। साथ ही साथ वो दोनों बहुत ही बदसूरत भी हो जाती है। जैसे ही कनक को होश आता है, वो मोहिनी और रूपाली को इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है और इसके बाद उसे सारी कहानी का पता चलता है। माँ, दीदी आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको कुछ भी चाहिए था तो मुझे आप बता देती, मैं अपने जादुई लंबे बालों के जादू से सब कुछ आपको दे देती, लेकिन आपने मेरा फायदा उठाया और मुझे धोखा दिया। मैं बचपन से आप दोनों के साथ सिर्फ इस उम्मीद से रहती आई कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप दोनों मुझे प्यार करेंगे, पर शायद मैं गलत थी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर कनक अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है और अपने जादुई लंबे बालों की मदद से एक छोटा सा घर ले लेती है और अपने जादुई बालों की सहायता से अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है और हंसी खुशी जीवन बिताने लगती है। परी का जादुई मखमली घाघरा चोली। ये कहानी मथुरा में रहने वाली अमृता नाम की लड़की और उसकी सौतेली माँ कामना देवी की है। अमृता के पिता ने पहली पत्नी के मर जाने के बाद कामना देवी से दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी खुद भी मृत्यु हो गई। तब से कामना को ही अमृता को पालना पड़ा। इस वजह से वो उसे अपने सर का बोझ समझने लगी, उसको नापसंद करने लगी। अमृता की जब पहली माँ जिंदा थी तब उसने सिलाई सीखी थी, आज वही सिलाई उसके बहुत काम आ रही थी। क्योंकि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, सिलाई करके जो पैसे आते थे उसी से अमृता और कामना देवी दोनों का जीवन चल रहा था। उसके बावजूद कामना देवी को अमृता बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो हमेशा किसी भी तरह से उसका बुरा ही सोचती रहती थी। एक दिन अमृता घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ आप थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ खड़ी हो जाइए, मुझे इधर झाड़ू लगानी है। अरे झाड़ू लगा रही है तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहीं खड़ी रहूंगी, जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ, मनहूस कहीं की। जरा सा हट जाओगी तो क्या हो जाएगा, इतना भी क्या करना? जुबान चला रही है, तुझे तो अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर कामना अमृता को जोरदार चाटा जड़ देती है। थप्पड़ खाने के बाद अमृता कामना से कहती है, बिना फालतू में मार क्यों रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ तो थोड़ा सा साइड हटने के लिए ही तो बोला था, घर के काम भी मैं ही करूँ,
काम करके घर भी मैं ही चलाऊं, उसके बाद भी आपकी डांट सुनूं और पिटाई खाऊं सो अलग। अगर मेरी माँ ने मुझे कपड़े सिलने की कला ना सिखाई होती तो पता नहीं क्या होता। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुमसे जितना कहा जाता है उतना ही किया करो। अगर ज्यादा पटर पटर की ना, जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगी, समझी? आई बड़ी। घर में आए दिन ऐसे झगड़े होते ही रहते थे। आज इसी झगड़े के दौरान दरवाजे पर गांव की रानी की दो सैनिकों के साथ दस्तक होती है। अरे घर में कोई है क्या? अमृता बेटी घर में ही हो ना, जरा बाहर तो आना। अमृता आवाज सुनकर बाहर आती है तो देखती है कि बाहर रानी साहिबा आई हुई है। उन्हें देखकर अमृता बहुत खुश होती है और कहती है, अरे रानी साहिबा, आप यहाँ कैसे आना हुआ? आइए ना, अंदर चलिए हमारे छोटे से घर में। आपको तो इतने छोटे घर की आदत नहीं होगी ना। अरे नहीं नहीं अमृता, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आई हूँ। जैसा कि तुम जानती ही होगी, मेरी बहू रानी गर्भवती है, अभी उसका सातवां महीना चल रहा है। एक महीने बाद उसके गोद भराई की रस्म होगी, बहुत बड़ा जश्न रखा जाएगा। अरे वाह रानी जी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। तू कितने अच्छे कपड़े सिलती है ये तो पूरे गांव को पता है, इसलिए तुझे मेरे लिए 15 मखमली घाघरा चोली सिलना होगा, वो भी एक महीने के अंदर ही। लेकिन रानी जी, एक महीने के अंदर अंदर मैं इतने सारे मखमली घाघरा चोली कैसे सिल पाऊंगी? मखमली कपड़ों को सिलने में बहुत समय लगता है और मैं अकेले ही काम करती हूँ। मैं एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लहंगे ही बना पाऊंगी, इतना सारा घाघरा चोली मैं अकेले नहीं सिल पाऊंगी। देखो बेटी, असंभव को संभव तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। राजघराने के कपड़े सिलने का नसीब सबको नहीं मिलता। इस गांव में घाघरा चोली तो बहुत लोग सिलते हैं, लेकिन तुम जो सिलाई करती हो उसकी तो बात ही अलग है। मुझे आपकी इन बातों से बहुत खुशी मिली, लेकिन जल्दीबाजी में मैं काम खराब नहीं करना चाहती। मैं जो भी काम करती हूँ आराम से करती हूँ, पर अच्छा करती हूँ। देख अमृता, तू कोशिश करेगी तो तू आराम से सारा घाघरा चोली तैयार कर पाएगी। एक बात याद रखना, सारे घाघरा चोली जबरदस्त होने चाहिए, ये ले आधे पैसे। रानी अमृता को पैसे देने लगती है, लेकिन अमृता मना कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आती है और रानी के हाथों से झट से पैसा ले लेती है और रानी से कहती है, अरे रानी जी आप बेफिक्र होकर जाइए, मेरी बेटी बहुत मेहनती है, ये एक महीने के अंदर अंदर आपको 15 मखमली घाघरा चोली तैयार करके दे देगी, ये तो इसके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर एक महीने के अंदर अंदर 15 मखमली घाघरा चोली बनकर तैयार नहीं हुए तो मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, समझ गई तुम? इतना कहकर रानी वहाँ से चली गई। रानी के जाते ही अमृता टेंशन में आ गई। एक महीने में 15 घाघरा चोली सिलना ये तो उसके लिए नामुमकिन था। एक महीने तक बहुत मेहनत करने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा वो 6 से 7 घाघरा चोली ही सिल सकती थी। दूसरी तरफ कामना देवी खुशी खुशी पैसे गिन रही थी। तभी अमृता ने गुस्से में उससे कहा, तुमने रानी से पैसे क्यों लिए? एक महीने के अंदर अंदर मैं 15 घाघरा चोली कैसे सिल पाऊंगी, वो भी मखमली कपड़े का? पता नहीं आपकी अकल कहाँ चली गई है। ओ लड़की ज्यादा बोल मत, अकल की अंधी तुम हो, मैं नहीं, समझी? आई हुई लक्ष्मी को पैरों से ठुकरा रही थी, इतने सारे पैसों से मैं कितना कुछ खरीद सकती हूँ? ये पैसे मैंने रख लिए हैं, अब तुम जाकर मेहनत करो, क्योंकि अगर तुम 15 घाघरा चोली नहीं सिल पाई तो रानी से बहुत डांट पड़ेगी तुम्हें। बेचारी अमृता मेहनत करने में जुट गई। देखते ही देखते 29 दिन बीत गए। दिन रात मेहनत करके खाना पीना सब भूलकर अमृता घाघरा चोली सिल रही थी। उस दिन दोपहर के समय बहुत तेज तूफान चलने लगा और मूसलाधार बारिश होने लगी और घर के अंदर बैठकर अमृता अपने काम में व्यस्त थी। उफ, आज 29 दिन बीत गए और इतनी मेहनत के बाद भी अभी सिर्फ 5 ही घाघरा चोली तैयार हुए हैं। दर्द से पूरा बदन दुखने लगा है मेरा। ऐसा कहते हुए अमृता उठकर थोड़ा सा टहलने के लिए घर के बाहर आती है। तभी वो देखती है कि बाहर तो बहुत तेज तूफान चल रहा है और बारिश हो रही है, और उसी तूफान और बारिश की वजह से एक चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। अरे रे, इतनी बारिश और तूफान में बेचारी चिड़िया का घोंसला गिर गया, उसमें तो अंडे भी हैं।
वहीं सामने एक घोंसला गिरा हुआ था जिसके अंदर अंडे थे और एक चिड़िया उसके ऊपर ही उड़ रही थी। बारिश और तूफान की फिक्र ना करते हुए अमृता उस घोंसले को उठाती है और उसे अपने घर के अंदर ले जाकर रख देती है। अब चिंता की कोई बात नहीं है, अच्छा हुआ इसको समय पर देख लिया था मैंने, वरना इस चिड़िया के साथ अनर्थ हो जाता। चिड़िया अमृता के पीछे पीछे उसके घर के अंदर आ जाती है और अमृता जहाँ घोंसला रखती है वो उस घोंसले के ऊपर बैठ जाती है, ये सोचकर कि तूफान थमने पर वो चिड़िया खुद ही चली जाएगी। अमृता उस चिड़िया को कुछ नहीं कहती और वापस अपने काम में व्यस्त हो जाती है और दुखी मन से कल के बारे में सोचने लगती है। पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। कल सुबह होते ही रानी साहिबा घर आ जाएंगी, मैं तो सिर्फ 5 ही घाघरा चोली सिल पाई हूँ, ना जाने क्या जवाब दूंगी मैं कल उन्हें। हे भगवान क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर कामना देवी आती है, घाघरा चोली देखकर अमृता से कहती है, बाप रे बाप, इतने दिनों में तुमने सिर्फ 5 ही घाघरा चोली सिला है, तुमसे तो कोई भी काम ढंग से और जल्दी नहीं हो पाता, हर काम को करने में कई घंटे लगा देती हो। शर्म नहीं आती आपको ये सब बोलने में, दिन रात मेहनत करके इन घाघरा चोली को सिलने में लगी हूँ मैं, एक बार भी मेरी मदद करने नहीं आई तुम और अब मुझ पर चिल्ला रही हो। अमृता की ये बात सुनकर कामना देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, तुम उसे जवान लड़ा रही हो, मन तो करता है मार मार के तेरी हड्डी पसली एक कर दूं, अगर तेरी वजह से मेरा पेट नहीं पल रहा होता तो कब के तेरा काम खत्म कर चुकी होती, लेकिन खुशी तो मुझे इस बात की है कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अब जो करेगी कल रानी साहिबा करेगी तेरे साथ, तूने अभी तक उनका काम जो नहीं किया और उन्होंने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे तो मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। इतना कहकर कामना देवी वहाँ से चली जाती है। कामना देवी के जाने के बाद अमृता रोते हुए हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान क्या पाप किए हैं मैंने, क्यों मुझे ये सजा दे रहे हो, क्या करूँगी मैं, अब ये दुष्ट औरत सारे पैसे भी खर्च कर चुकी है, अब मैं रानी साहिबा को क्या जवाब दूंगी। तभी अचानक से अमृता के कानों में बहुत ही प्यारी सी आवाज आती है, ओ प्यारी अमृता तुम रो क्यों रही हो, मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हो। कौन कौन बोला, किसने मेरा नाम पुकारा। इधर देखो अमृता, मैं चिड़िया बोल रही हूँ। अरे तुम तो वही हो जिसके घोंसले को बचाने के लिए मैं घर में ले आई थी, तुम बोल सकती हो। मैं सिर्फ बात ही नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे समस्या का समाधान भी कर सकती हूँ। मतलब क्या कहा तुमने, तुम मेरी मदद कैसे करोगी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम तो एक मामूली सी चिड़िया हो, तुम कैसे मेरी मदद करोगी। अमृता की ये बात सुनकर वो चिड़िया एक बहुत खूबसूरत परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, मैं कोई मामूली सी चिड़िया नहीं हूँ अमृता, मैं केवल मामूली चिड़िया बनकर धरती लोक पर रहती हूँ, क्योंकि रानी परी द्वारा मुझे ये कार्य मिला हुआ है कि मैं साधारण सी चिड़िया बनकर पृथ्वी लोक पर रहूं और जरूरतमंद लोगों की मदद करूं। लेकिन आज पहली बार मुझे मदद की जरूरत थी, जब मेरा घोंसला नीचे गिरा तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन उस वक्त मेरी मदद करने वाली तुम थी जो सबकी मदद करती थी, तुमने उसकी मदद की इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नहीं नहीं परी, आप शुक्रिया मत कहिए, इंसान होने के नाते मैंने आपके घोंसले और नवजात बच्चों को बचाया, ये तो इंसानियत होती है। तुम्हारे इसी विनम्र दिल और इंसानियत के चलते ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तुम जाकर आराम से सो जाओ और सारी चिंता छोड़ दो, कल का नया सवेरा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। परी का धन्यवाद करके और उसकी बातों पर विश्वास करके अमृता जाकर सो जाती है, थकावट की वजह से उसे तुरंत नींद आ गई। दूसरी तरफ परी ने अपने जादुई शक्तियों से वहाँ पर 10 मखमली घाघरा चोली प्रकट कर दिए जो दिखने में बहुत खूबसूरत थे। ऐसा करके परी ने वापस चिड़िया का रूप लिया और अपने घोंसले सहित वहाँ से गायब हो गई। अगली सुबह होते ही रानी 2 सैनिकों के साथ अमृता के घर आ पहुँची और उसे आवाज लगाने लगी, अरे अमृता, ओ अमृता कहाँ हो, घर पर नहीं हो क्या।
रानी की आवाज़ सुनकर कामना देवी फौरन घर के बाहर जाती है और कहती है, आइए रानी साहिबा, आपने आने का कष्ट क्यों किया? आपने मुझे बुलवा लिया होता। हाँ हाँ, बहुत कर ली तुमने चिकनी चुपड़ी बातें। अब जल्दी जल्दी मुझे मेरे 15 मखमली लहंगे दे दो। अमृता कहाँ है? मुझे उसे पैसे भी देने हैं। रानी की ये बात सुनकर कामना खुश होते हुए अपने मन में सोचती है, अब तो मजा आने वाला है जब रानी साहिबा को पता चलेगा कि अमृता ने सारे लहंगे अभी तक नहीं सिले, तो क्या हाल होगा उसका। अरे वाह, मजा आ गया। आइए ना महारानी जी, घर के अंदर रखे हैं सारे घाघरा चोली। ऐसा कहकर कामना देवी रानी को घर के अंदर घाघरा चोली के पास लेकर जाती है। तभी वहाँ पर अमृता भी आ जाती है। अमृता घबरा रही थी। दूसरी तरफ कामना देवी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन रानी वहाँ रखे जादुई मखमली घाघरा चोली देखकर बहुत खुश हो गई। रानी साहिबा एक एक करके सारे घाघरा चोली देखने लगती है। इतने में अमृता उनके लिए चाय बनाकर लाती है, रानी साहिबा को पीने के लिए देती है। रानी साहिबा चाय पीने लगती है कि तभी अचानक से कामना देवी रानी साहिबा के ऊपर गिर जाती है और गरम गरम चाय रानी साहिबा के ऊपर गिर जाती है। अरे कामना की बच्ची, तूने तो मुझे जला ही दिया। ठीक से खड़ी नहीं हो सकती है क्या? टांगों में जान नहीं दी भगवान ने, बदतमीज कहीं की। मैंने कुछ नहीं किया रानी साहिबा, सच में मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहकर कामना देवी घर से बाहर भागने लगती है, लेकिन तभी रानी के साथ आए हुए सैनिक उसे पकड़ लेती हैं। सैनिकों, इस औरत ने गरम चाय से मुझे जलाने की कोशिश की है, इसे फौरन महल में ले चलो और कुछ दिनों के लिए कारावास में डाल दो। कारावास में रहेगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर रानी अमृता को बाकी के पैसे देती है और अपने सैनिकों और कामना देवी के साथ वहाँ से चली जाती है। अमृता को पैसे भी मिल गए थे और साथ में उसकी सौतेली माँ से छुटकारा भी। वो बहुत खुश थी। वो हाथ जोड़कर परी को याद करती है। तभी वहाँ पर परी प्रकट हो जाती है। तब अमृता कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने तो एक पल में मेरी सारी तकलीफ ही दूर कर दी। अभी तुम्हारी तकलीफ खत्म नहीं हुई है अमृता। इतना कहकर परी वहाँ पर एक मखमली जादुई घाघरा चोली प्रकट करती है और कहती है, ये घाघरा चोली तुम अपने पास रखो, ये तुम्हें सारी मुसीबत से भी बचाएगा और साथ में तुम्हारी सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसे तुम मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब अमृता के जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं थी। वो मेहनत करके कमाती और अपना गुजारा करती। अगर उसे कोई मुसीबत होती तो जादुई मखमली घाघरा चोली से कहकर अपनी मुसीबतें दूर करवा देती। अब उसे गरीबी से भी छुटकारा मिल गया था और उसकी सौतेली माँ से भी। लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन अमृता खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। बहुत समय पहले की बात है, श्यामपुर नाम के गांव में सलोनी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी और उन्हीं के साथ ममता नाम की लड़की भी रहती थी, जो कि उनके घर में नौकरानी का काम किया करती थी। वैसे पहले तो ममता की माँ वहाँ पर काम किया करती थी, लेकिन अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर ममता आकर काम करने लगती है। ममता बहुत ही गरीब थी और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए सलोनी के कहने पर उसकी माँ उसे घर पर रख लेती है। सलोनी बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन सलोनी की माँ बहुत घमंडी थी। उसने ममता को तो अपने घर रख लिया, पर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वो सलोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सलोनी का जन्मदिन आता है। जिस दिन सलोनी का जन्मदिन होता है, संजोग से उसी दिन ममता का भी जन्मदिन होता है, इसलिए सलोनी अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ आज मेरे जन्मदिन के साथ साथ ममता का भी जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी मेरे जन्मदिन की पार्टी इतनी बड़ी हो रही है, इसी में ममता बेचारी भी अपना केक काटकर खुश हो जाएगी, क्योंकि वो सारा दिन घर का काम करती रहती है, इसलिए आप कम से कम उसके जन्मदिन वाले दिन उससे एक भी काम मत करवाना। सलोनी, तेरे कहने पर मैंने उसे यहाँ पर रख रखा है और हम उसे खाना भी देते हैं, इसलिए तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इतना बहुत है, इससे ज्यादा अगर हम उसको देने लग गए तो वो हमारे सर पर चढ़ जाएगी। तुझे अभी नहीं पता ये गरीब लोग कैसे होते हैं।
ओहो माँ, मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। जो आपको ठीक लगे आप वही करो। इतना कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। सलोनी के जन्मदिन के लिए उसकी माँ ने उसको दो ड्रेस दिलाई थी। उनमें से एक ड्रेस को लेकर सलोनी ममता के पास जाती है और उससे कहती है, ममता आज तुम्हारा भी जन्मदिन है और मुझे पता है कि माँ तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाने वाली है, इसलिए मैंने माँ से अपने लिए दो ड्रेस ली थी, उसमें से एक ड्रेस तुम रख लो। सलोनी, तुम मेरे लिए इतना सोचती हो ये बहुत बड़ी बात है, और मेरे जन्मदिन पर तुम्हारी ये दी हुई ड्रेस मैं जरूर पहनूंगी। मैं अपने जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक बना लूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरे वजह से आंटी जी से झगड़ा मत करना। ममता की बात सुनकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। सलोनी के वहाँ से चले जाने के बाद उसकी माँ ममता के पास आती है और बोलती है, सुन ममता, आज घर के कामों के अलावा तुझे इस घर को सजाना भी है। सलोनी के जन्मदिन पर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए खाना भी बहुत सारा बनाना है, और ये सब तुझे अकेली ही करना है, इसलिए काम में लग जा। हाँ हाँ माँ, मैंने सारी तैयारियाँ करना शुरू कर दी है। मैंने सलोनी से उसके दोस्तों के मनपसंद खाने के बारे में भी पूछ लिया है, मैं वो सब बना दूंगी। देख ममता, तेरी माँ के जाने के बाद तू इस घर में काम करती है, मैंने तुझे इस घर में रहने की जगह भी दी है, लेकिन सलोनी चाहती है कि मैं तेरे साथ वैसा बर्ताव करूँ जैसा कि मैं सलोनी के साथ करती हूँ, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। भला मैं जिस तरह अपनी बेटी के साथ रहती हूँ उस तरह मैं नौकरानी के साथ कैसे रह सकती हूँ। खैर, मैं तो तुझे ये बोलने आई थी कि तू सलोनी के बर्थडे में नजर भी नहीं आएगी, वरना सलोनी का सारा ध्यान तेरे पर ही रहेगा। पार्टी खत्म हो जाने के बाद जो भी बचेगा वो तुझे मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है आंटी। इतना बोलकर सलोनी की माँ वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर ममता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब अनदेखा कर वो अपने कामों में लग जाती है। इस तरह उस दिन ममता का भी जन्मदिन था, लेकिन सलोनी की माँ ममता से घर का सारा काम कराती है और पूरे घर को अच्छे से सजवाती है और सबके लिए खाना भी बनवाती है। जैसे ही घर का सारा काम खत्म हो जाता है, सलोनी की माँ सलोनी से नजर छुपाकर ममता को थोड़ी देर के लिए कहीं और भेज देती है। थोड़ी ही देर में सारे मेहमान आ जाते हैं और सलोनी केक काटने वाली होती ही है, तभी सलोनी अपनी माँ से पूछती है, माँ मुझे ममता कहीं नजर नहीं आ रही है, उसने इतना टेस्टी खाना बनाया है और पता नहीं कहाँ चली गई है। तू ही उसे दोस्त मानती है और तूने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है, देखा तेरे बर्थडे पार्टी से कैसे चलकर बाहर चली गई। अपनी माँ की बातों का सलोनी पर कोई असर नहीं हुआ और वो समझ गई कि उसकी माँ ने ही उसको घर से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ ममता पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती मेरा भी जन्मदिन मनाया जाता। बेशक हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन माँ हमेशा मेरे बर्थडे पर बड़ा सा केक लेकर आती थी। आंटी के किसी भी बातों का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने मुझे आज सलोनी के बर्थडे पार्टी में ना रुकने के लिए कहा, तब मुझे बहुत बुरा लगा। ममता अकेली वहाँ पर रो रही थी, तभी वहाँ पर एक परी ममता के रोने की आवाज सुनकर आती है और बोलती है, सुनो लड़की, यही आसपास कहीं मेरी जादुई छड़ी गुम हो गई है, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? लेकिन सूर्यास्त होने से पहले मुझे मेरी जादुई छड़ी नहीं मिली तो मैं कभी परीलोक नहीं जा पाऊंगी। फिर परी और ममता जादुई छड़ी ढूंढने लगते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद ममता को वो जादुई छड़ी मिल जाती है। परी जी, ये जादुई छड़ी आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी छड़ी है, तुमने मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मेरी मदद करी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जब मैं यहाँ आ रही थी मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम क्यों रो रही थी? अब क्या बताऊँ परी जी, कुछ सालों पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद से मैं अपने दोस्त के घर पर काम करती हूँ। सलोनी की माँ ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन वो कभी भी मुझसे सही से बात नहीं करती है। आज मेरा जन्मदिन है और उन्होंने मुझसे घर का सारा काम करवा कर मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगी। इतना कहकर परी वहाँ पर एक बड़ा सा केक प्रकट करती है और उसके बाद ममता के फटे पुराने कपड़ों को एक नई फ्रॉक में बदल देती है। ये एक जादुई केक है और इस जादुई केक को खाकर तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी
और उसके बाद तुम घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर सकती हो। और अगर तुमने किसी बीमार इंसान को छुआ तो वो भी आदमी ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी से केक काट दो। और उसके बाद परी ममता का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और ममता को अपने हाथों से केक खिलाती है। और थोड़ी देर बाद ममता परी को धन्यवाद करके सलोनी के घर फटे पुराने कपड़ों में लौट आती है। चल अब पार्टी खत्म हो गई है और बहुत सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, जा अब जाकर साफ कर ले। और हाँ, थोड़ा सा केक बच गया है, जाकर खा लेना। इतना कहकर सलोनी की माँ वहाँ से चली जाती है। और ममता के अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी थी, जिसकी मदद से ममता घर के सारे काम एक मिनट में ही कर देती है और सारे बर्तन भी चुटकियों में ही धो देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन अचानक सलोनी की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। सलोनी अपनी माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। बेटा, अब मुझे नहीं लगता है कि मैं अब ज्यादा दिन तक रह पाऊंगी। बेटा, ममता एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे जाने के बाद हमेशा तुम दोनों साथ रहना बेटा, और एक दूसरे का ख्याल रखना। सलोनी अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत रो रही थी। तभी ममता उससे बोलती है, सलोनी मेरे पास एक जादुई शक्ति है। जन्मदिन वाले दिन जब आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब वहीं पर एक परी आई और उन्होंने ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। परी के पास एक जादुई केक भी था और वो जादुई केक खाकर मेरे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ गई है और मैं किसी भी बीमार व्यक्ति पर हाथ फेर कर उसे ठीक कर सकती हूँ। इतना कहकर ममता सलोनी की माँ के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। उसके ऐसा करते ही सलोनी की माँ ठीक हो जाती है। उसके बाद सलोनी की माँ ममता से माफ़ी मांगती है। बेटा मुझे माफ़ कर दे, बेटा मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दे। आज से मैं सलोनी और तुझ में कोई भेदभाव नहीं करूँगी। इतना कहकर सलोनी की माँ ममता को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से सलोनी की माँ ममता को अपनी ही बेटी की तरह प्यार करने लगती है और सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।